Finites, welcome back to Infinite Financial Academy, one of the best financial institutions in the industry. So, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अमीर लोग अमीर क्यों हैं, यानी कि Why the Rich are Rich by Warren Buffett. Warren Buffett जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, जिनके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था, उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी शेयर किए थे, वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप जरूर देख लीजिए. एंड उन्होंने चार ऐसे रीजन शेयर किए कि अमीर लोग अमीर क्यों हैं. ऐसा क्या है अमीर लोगों के पास है, फिर क्या वो ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो अमीर है. तो आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले जो उन्होंने चार रीजन शेयर किए हैं हमारे साथ. एंड वी होप कि आपको ये वीडियो मोटिवेट करे, इंस्पायर करे. तो आइए शुरू करते हैं. सो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो वॉरेन बफेट ने शेयर की है वो ये है कि द रिच आर नॉट रिच बिकॉज दे लुक रिच बट रैदर बिकॉज दे पोसेस द स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द रिच. यानी कि अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं है कि वो दिखते अमीर हैं, यानी कि उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी घड़ी पहनी है, अच्छा मोबाइल लिया है, अच्छा कैमरा है, गाड़ी है, बंगला है, इसकी वजह से मतलब जैसे दिखते हैं वो, उसकी वजह से वो अमीर नहीं होते हैं. वो अमीर इसलिए होते हैं बिकॉज उनके पास कुछ ऐसी स्किल्स होती है, ऐसी स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई होती है जिसकी वजह से वो अमीर है. यानी कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ इलॉन मस्क का, तो इलॉन मस्क क्या सोचते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, बहुत ही क्रिएटिवली सोचते हैं, या फिर बोले तो कि 10 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद इस दुनिया में क्या चलने वाला है, वो उसके बारे में सोचते हैं. अब वो जैसे सोच रहे हैं कि मंगल पे जाके हम लोग रह सकते हैं, कि मंगल पे जाके भी लाइफ हो सकती है, तो वो सोच रहे हैं एंड वो कर भी रहे हैं, स्पेस में भेज रहे हैं रॉकेट्स. अब हम में से कोई ऐसे सोच नहीं सकता क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है. अब ये क्या हुआ, इलॉन मस्क का स्किल हो गया जिसकी वजह से वो अमीर है. एंड वो 10-20 साल क्या फ्यूचर भी देखते हैं कि फ्यूचर में क्या चलने वाला है, इस दुनिया में क्या ज़्यादा बिकने वाला है, उसके हिसाब से वो बिजनेस बनाते हैं जिसकी वजह से वो इतने अमीर हैं, बहुत रिच पीपल में आते हैं वर्ल्ड के. तो ये आपका सबसे बड़ा रीजन कि अमीर लोग क्यों अमीर होते हैं. अब दोस्तों, सेकेंड चीज जो वॉरेन बफेट बोलते हैं अमीर लोगों के बारे में कि वो क्यों अमीर हैं, तो वो ये है कि द रिच फर्स्ट इन्वेस्ट देयर मनी इनटू एसेट्स एंड देन परचेज लायबिलिटीज. यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो पहले अपने एसेट्स बनाएंगे, अपने एसेट्स कहीं से भी बना सकते हैं, वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ऐसे कुछ बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हैं जिनसे कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए. यानी कि कुछ अगर हो भी जाए बड़ा, तो भी वो बिजनेस है जिसकी वजह से वो नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, वो घर खरीद सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने वाली है. तो ऐसे एसेट्स पहले बना के रखेंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी कि कुछ भी हो गया तो भी अपना खाना पीना जो नीडेड चीज़ है वो कभी बंद नहीं हो पाएगी एंड एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं. पहले वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि अभी लाइबिलिटीज ले सकते हैं. अब वो कोई भी एसेट हो सकता है जिसकी डेप्रिशिएटिंग वैल्यू हो, जैसे कि बड़ी कार हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी इच्छाएँ होती हैं वो लोग ले सकते हैं, यानी कि लोन्स भी ले सकते हैं. जैसे अगर यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल होगा इलॉन मस्क का. अब इलॉन मस्क ने अभी ट्विटर खरीदा है. अब ट्विटर उन्होंने अपने पूरे पैसे से तो नहीं खरीदा है, उन्होंने अपने स्पेसएक्स के शेयर्स बेचे, उन्होंने लोन्स लिए बहुत सारे, उसके बाद जाके उन्होंने ट्विटर को खरीदा है. तो अब उनका क्या है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस क्रिएट करके रखे हैं, उसके बाद जाके उन्होंने इतना बड़ा लोन लिया है एंड ट्विटर को खरीदा है. एंड ट्विटर को खरीदने का भी कुछ उनका मिशन ही होगा, कुछ विजन होगा उनका कि उससे भी रेवेन्यू आ पाएगा. तो क्या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए उनके, उसके बाद उन्होंने लायबिलिटी ली बहुत बड़ी कि अगर ट्विटर चल नहीं पाया फ्यूचर में, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसको बेच के वो लोन भर सकते हैं, या फिर उन बिजनेसेस से जो रेवेन्यू आता है उससे वो लोन भर सकते हैं, वो कभी बैंकरप्ट नहीं होने वाले जल्दी. तो ये है आपका सेकेंड रीजन कि वाई द रिच आर रिच. एंड दोस्तों, तीसरा रीजन जो वॉरेन बफेट देते हैं कि अमीर लोग अमीर क्यों हैं, वो ये है कि द रिच मैक्सिमाइज देयर इनकम बाय इंक्रीजिंग ईदर देयर जॉब सैलरी और इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेसेस. यानी कि अमीर लोग क्या करते हैं, वो पैसा बढ़ाने के लिए देखते हैं जनरली. अगर वो जॉब करते हैं तो वो देखते हैं कि सैलरी कैसे बढ़ाई जाए, अगर वो बिजनेस करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाए जाए. अब प्रॉफिट्स या सैलरी कब बढ़ेगी, जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, जब आप वो वैल्यू क्रिएट कर पाओ जो नीडेड है मार्केट के लिए. क्योंकि देखिए, जितनी बड़ी आप वैल्यू क्रिएट करोगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा. अब यहाँ पे सुंदर पिचाई का हम अगर एग्जांपल है, जो आप गूगल के सीईओ हैं आज, तो वो सैलरी लेते पर मंथ 200 करोड़ की, जितने के आज बिजनेसेस भी नहीं होंगे शायद पर मंथ, जो इतना रेवेन्यू कमाते होंगे.
तो आप सुंदर पिचाई की सैलरी 200 करोड़ की है, वो एक दिन में नहीं होगी, एक साल में नहीं हुई होगी, या फिर एक महीने में भी नहीं होगी। उन्होंने बहुत सारे इनोवेशन किए हैं गूगल में, जिसकी वजह से गूगल की इनकम बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा, जिसकी वजह से सुंदर पिचाई को CEO बनाया गया, उनकी सैलरी बढ़ाई गई। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट की अपनी एंड गूगल की मार्केट में, जिसकी वजह से वो आज CEO है एंड उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। एंड इलॉन मस्क का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उन्होंने टेस्ला बनाया है, ऑटोमेटिक कार्स बने, उसमें इलेक्ट्रिक कार्स बने, जिसकी आज मार्केट में बहुत नीड है। उन्होंने देखा कि पोल्यूशन इतना हो रहा है पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से, कि इलेक्ट्रिक कार्स होनी चाहिए, तो उन्होंने वो बनाई एंड उसकी आज बहुत वैल्यू है मार्केट में, क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है ग्लोबली। सो उन्होंने वो कार्स बनाई एंड वो आज बहुत महंगे में बेच रहे हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है आज मार्केट में। तो इस तरह से अमीर लोग करते हैं कि वो पहले बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेंगे, उसके बाद बहुत सारा पैसा लेंगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि वैल्यू के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो ये है तीसरा रीज़न कि अमीर क्यों अमीर है। एंड दोस्तों फोर्थ एंड लास्ट रीज़न जो वॉरेन बफेट देते हैं अमीर लोगों के बारे में कि वो अमीर क्यों है, वो ये है कि द रिच बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स टू डाइवर्सिफाई देयर इनकम। यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना के रखते हैं, कि अगर कोई एक इनकम स्ट्रीम बंद हो जाए, यानी कि एक सोर्स से पैसा आना बंद हो जाए, तो उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज बना के रखे जहाँ से उनको पैसा आने वाला है। एंड दोस्तों ये स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि एक्टर जो फिल्म से मैं काम करता है, एक्टिंग करता है, वो फिल्म्स भी करेगा, वो OTT प्लेटफॉर्म्स भी जाएगा, वो ब्रांड कोलैबोरेशंस करेगा, वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा, वो एडवर्टीजमेंट्स करेगा, बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स बना के रखेगा। एंड वो अगर उसकी फेस वैल्यू बन गई, वो फेमस हो गया, तो वो अपने एक्टिंग की फीस भी बढ़ाएगा, तो ऐसे करके वो अमीर बन सकता है एंड अमीर है भी। तो ऐसे करके आप अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बना के रखिए, उससे क्या होगा कि आपके एक इनकम स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। अगर एक इनकम स्ट्रीम बंद हो गई तो बाकी की चालू रहेगी, आपको कभी भी ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पैसा नहीं आ रहा है। तो ये करना है आपको, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो जो अमीर लोग यूज करते हैं। आप जिसको भी देखिए, जो भी लोग अमीर है उनके पास बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स है, वो सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम पे डिपेंडेंट नहीं है, वो बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी हम सबको अपनानी चाहिए, अपने अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स बनानी चाहिए। अगर मैं आम इंसान की बात करूँ तो वो अफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है, वो फ्रीलांसिंग कर सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, वो यूट्यूबिंग कर सकता है, आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत क्रेज़ है, वो कॉन्टेंट क्रिएटर बन सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो आप अपने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना के रखिए, जिसकी वजह से अगर कोई एक इनकम सोर्स बंद भी हो जाए तो भी आपको लगे कि भाई ठीक है, वो एक इनकम सोर्स बंद हो गया, अभी दूसरे पे ध्यान देते हो। तो ऐसे करके आपको अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जो बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे अमीर लोग करते हैं, हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये ऑफिशियल चैनल है इन्फिनिट फाइनेंशियल एकेडमी का, जहाँ पे बहुत सारे फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।